इसी तरह से बिजनेस में आमतौर से होता है कि फ़ोन पे बात करने में लोग झूठ बोलते हैं, और एक नए नए तरीके भी लोगों ने निकाले हैं। उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं मोबाइल में कि जो आप बात कर रहे हैं, आपने उठाया, आपने वो प्रेस कर दिया तो बारिश की आवाज़ उसमें आएगी, हालांकि बिल्कुल धूप निकली हुई आपके घर के ऊपर, या उसमें ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, गाड़ियों की पॉम पॉम पूरी आवाज़ उसमें आएगी। अब एक आदमी पूछ रहा है, कहाँ है तू? उसका मालिक पूछ रहा, साहब मैं अभी गाड़ी पे, अभी चौक में, अभी जस्ट आया मैं। अरे ये घर पे क्या कर रहा है? बिरयानी खा रहा है। लेकिन फ़ोन पे मालिक भी सोचा, बेचारा मेरा कितना अच्छा काम करने वाला है जो सुबह से गया अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसको गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये क्या है, गाड़ियों की आवाज़ इसकी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की आवाज़ है जो मोबाइल शरीफ से जा रही है, इसका साथ ही इसका काम कर रहा है। ये झूठ है, ये धोखा है, और आमतौर से तिजारत में होता है। कहाँ है? तो बोले मैं अभी निकला, मैं रास्ते में ही है। रास्ते में कहाँ खड़े होके बोल रहा है? रोड पे खड़े होके बोल रहा है, मैं अभी रास्ते में, यानी निकला नहीं है ये, बस क्या है। या कोई इसको पूछे, तू कहाँ है? अभी घर पे नहीं बोलना है उसको, दरवाजे के बाहर जाके क्या बोलेगा? मैं बाहर हूँ, अभी अभी निकल गया, मैं घर के बाहर। क्या ये हीले हैं? ये झूठ है, ये धोखा है, नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल जो है आदमी का झूठ में भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में अब्दुर्रहमान इब्ने शिबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत फरमाते हैं कि इन्नत तुज्जारा हुमुल फुज्जार, ताजिर गुनाहगार हैं, ताजिर लोग यही गुनाहगार हैं। इन्नत तुज्जारा हुमुल फुज्जार, असल गुनाहगार कौन लोग हैं? ताजिर लोग। सब दुनिया में तिजारत करना कि नहीं करना? कहते हैं क़ीला या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, अवलैसा कद अहल्लल्लाहुल बैअ, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल नहीं किया है? तो गुनाहगार कैसे तिजारत करके? काला बला, आपने कहा हाँ अल्लाह ने हलाल किया है तिजारत को, लेकिन वलाकिन्नहुम युहद्दिसूना फयकज़िबूना, लेकिन तिजारत करने वालों का हाल क्या होता है? बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। वयहलिफूना वयअसमून, कस्में खाते हैं और गुनाह करते हैं, कसम खाकर, झूठी कस्में खाकर गुनाह करते हैं। तो तिजारत करने वाले आम तौर से क्या करते हैं? झूठ में मुलविस होने की वजह से गुनाहगार होते हैं। और आज मोबाइल से क्या हो गया, बहुत आसान हो गया झूठ बोलना। क्या आदमी कहाँ है उसके बारे में मालूम ही नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आदमी बोल सकता है। तो मोबाइल पर अपने मकाम के अतबार से झूठ बोलना और अपने मालिक को तिजारत वगैरह में झूठ और धोखा, ये भी जायज़ नहीं है। इस हदीस को इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है।